हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इंडियन कार गुरुजी चैनल तो आज हम आपके लिए लेके आए वेन्यू का एस वेरिएंट एक रिमोट की और एक आपको स्टैंडर्ड की मिल जाती है रिमोट की में आपको थ्री स्विचेस दिए गए लॉक एंड लॉक और टेलगेट ओपन और ये वेरिएंट आपको काफ़ी सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ मिल जाता है या फ्रंट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं काफ़ी आपको बोल्ड यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल दी गई है तो ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर और नीचे स्वेरियंट में दिए गए हेलोजन हेड लैम्प फॉग इस वेरियंट में ऑफर नहीं करेगा काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ का, का लोअर बम्पर दिया गया स्किट प्लेट के साथ और यह हुडे सिग्नेचर कैस्केट डिज़ाइन ग्रिल डार्क आपको क्रोम फ्रंट ग्रिल मिल जाती है यहाँ पे साथ में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपको स्टील व्हील्स मिल जाते हैं विद व्हील कवर्स 195 इन व्हील आर्च क्लाइडिंग मिल जाती है आपको साइड बॉडी क्लाइडिंग फ्रंट फेंडर पर हेलोजन टर्न इंडिकेटर और यह इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओर वी एम ए पिलर आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश बी पिलर आपको ब्लैक फिनिश एक्सटीरियर डोर हैंडल बॉडी कलर्ड और यह रूफ रेल्स साथ में माइक्रो रूफ एंटीना ऑफर करा गया है और यहाँ पे फ्रंट में दी गई डिस्क ब्रेक रियर में आपको रियल है ड्रम ब्रेक्स एंड काफी आपको बैलेंस यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है वेन्यू में फ्रंट में दिया गया मैकप्रिशन शर्ट स्प्रिंग रियर में आपको मिल जाता है कपल टॉर्जन बीम एक्सेल विद एक्सएल स्प्रिंग साथ में यह बिल्टअ बाई एडवांस केवन प्लेटफॉर्म के ऊपर आई टेन स्टाइल यहाँ पे स्टील यूज करा गया है साथ में बात करें यहाँ पे कलर ऑप्शन की तो यहाँ पे ऑफर करे गए डेनिम ब्लू डीप फॉरेस्ट फायरी रेड कलर पोलर वाइट टाइफून सिल्वर साथ में टाइटन ग्रे कलर साथ में अगर वो बात करें डायमेंशन की तो लेंथ है थ्री डबल नाइन फाइव एम एम विथ आपको मिल जाती है वन डबल सेवन जीरो एम एम हाइट है वन सिक्स जीरो फाइव एम एम व्हील बेस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड एम एम ग्राउंड क्लियरेंस वन नाइनटी फाइव एम एम फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल और डीजल की है यहाँ पे फोर्टी फाइव लीटर्स टर्निंग रेडियस आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है फाइव पॉइंट मीटर्स का साथ में कर वेट आपको मिल जाता है वन से वन टू फाइव जीरो थ्री ईयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की यहाँ पे वारंटी दी गई है साथ में थ्री इयर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट रोड साइड असिस्टेंस जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है और यहाँ रियर प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नीट एंड आपको यहाँ पे टॉल स्टांस मिल जाता है माइक्रो रूफ एंडिना स्पॉयलर रियर डिफॉगर भी अवेलेबल है साथ में यहाँ पे होंडे की बैजिंग एंड वेन्यू की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और इस वेरियंट में यहाँ पे दिए गए है है हेलोजन टेल लैम्प्स रिफ्लेक्टर्स साथ में आपको मिल जाता है पार्किंग सेंसर्स और स्किट प्लेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग दी गई है साथ में आपको राइट साइड यहाँ पे एक मिल जाता है ग्रैप हैंडल और यह थ्री फिफ्टी लीटर्स का बूट स्पेस राइट साइड लगेज लैम्प वो भी सेकेंड वेरियंट से आपको लगेज लैम्प मिलना शुरू हो जाता है और यहाँ पे कुछ और टूल किट और फर्स्ट एड किट अगर यहाँ पे हम इसको पुल करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे स्पेयर टायर इसका साइज है यहाँ पे फिफ्टीन इंचेस और रियर सीट्स के लिए आपको मिल जाता है हंड्रेड परसेंट फ्लिप एंड फोल्ड फंक्शन यानी सेकेंड इस सीट इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल है डुअल फ्रंट एयर बैग ए बी एस वी बी डी रियर पार्किंग सेंसर रिमोट सेंट्रल लॉकिंग डे एंड नाइट आई आर वी एम इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोमेटिक डोर अनलॉक स्पीड सेंसिंग ऑटोमेटिक डोर लॉक फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर फ्रंट सीट बेल्ट प्रोटेंशनर हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम इंजन इमोबलाइजर साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता आईसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर अगर आप यहाँ पे आपको डीसीटी लेते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाती ई एस पी हिलस्टाटास्ट साथ में वहीकल कंट्रोल एंड आपको नॉर्मल वेरिएंट्स में मिल जाता है हेड लैम्प स्कॉट फंक्शन कीलेस एंट्री और रियर डिफॉगर विद टाइमर और यहाँ पे वेन्यू में अवेलेबल है तीन इंजन ऑप्शन 1.2 पेट्रोल 1.0 टर्बो पेट्रोल और 1.5 डीजल इस वीडियो में आपको तीनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया 1.2 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन एटी टू और यहाँ पे वन पॉइंट फाइव एन फाइव स्पीड मैनुअल के साथ ही अवेलेबल है सेवनटीन पॉइंट फाइव टू के एम आपको उसकी क्लेम माइलेज मिल जाती है साथ में सेकेंड आता है वन लीटर फोर सिलेंडर सी आर डी आई डीजल इंजन नाइनटी नाइन और टू फोर्टी स्पीड मैनुअल के साथ ये इस वेरिएंट में ऑफर करेगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री के एम पी आपको उसकी क्लेम माइलेज दी गई है साथ में नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे वन पॉइंट जीरो लीटर टर्बो जी डी आई थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन वन वन एट बी एच पी और वन सेवनटी टू एन एम का टॉर्क ये अवेलेबल है बेसिकली मैनुअल आई एम टी एन डी सी टी के ऑप्शन के साथ और इस वेरिएंट में आपको तीनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं तो स्पीड मैनुअल यहाँ पे दिया गया सिक्स स्पीड आई एम टी एन सेवन स्पीड डी सी टी मानुअल एंड आई एम टी की माइलेज है एटीन पॉइंट टू सेवन के एम पी एल डीसी डी के एटीन पॉइंट वन फाइव के एम पी एल अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे फाइनली इंटीरियर फीचर्स तो यहाँ पे आपको रिमोट कीलेस एंट्री मिल जाती है एंड रिमोट सेंटर लॉकिंग साथ में यहाँ पे अगर बात करें कीज की तो एक रिमोट की एक स्टैंडर्ड की और यहाँ पे सिंगल टोन इंटीरियर्स ऑफर करेगा इस वेरिएंट में लेकिन अगर आप इस वेरिएंट में डीप फॉरेस्ट कलर ले तो आपको खाकी डुअल टोन इंटीरियर्स मिल जाते हैं या फ्रंट डोर का व्यू चेक कर सकते हैं ऑल ब्लैक डोर तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टू ट्विटर्स मेटल इन साइड डोर हैंडल पावर विंडोज आपको मिल जाते हैं ड्राइवर साइड पावर विंडो ऑटो अप एंड डाउन आर्म रेस्ट फोर स्पीकर बॉटल होल्डर और मैप पॉकेट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओवर वीम मिल जाते हैं साथ में ये क्लच फुट रेस्ट यहाँ से आप फ्यूल टैंक को ओपन कर सकते हैं यहाँ से हुड को और ये है हैडलैम्प लेनेटेड ए सी इवेंट्स में आपको मिल जाते हैं पे सिल्वर सराउंड और यहाँ पे आपको मिल जाती है फैब्रिक सीट पॉलिस्टिक काफ़ी बढ़िया ये साइड सपोर्ट ऑफर करते हैं हाइट एडजस्टमेंट इस फिलेंट में ऑफर नहीं करी गई साथ में यहाँ पे कुछ आपको ऐसा स्टेरिंग मिल जाता है सिल्वर फिनिश के साथ इसमें यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑफ़र करी गई है तो अब यहाँ पे आपको मिल जाती है टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पे वाइपरे कंट्रोल्स और राइट साइड यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको हेड हेडल्प कंट्रोल्स मिल जाते हैं सिंस पे फॉग लैम्प ऑफर नहीं करे गए ये है एन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 8000 थाउजेंड तक ये शो कर रहा है राइट साइड एम स्क्रीन अगर आप यहाँ पे डी सी रहे तो वहाँ पर आपको एडवांस सुपरविजन क्लस्टर भी मिल जाता है स्टार्ट भी लेकिन यहाँ पे ये यह मैनुअल वेरियंट है आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले डुअल ट्रिप मीटर इंजन रनिंग टाइम डिसम टी एवरेज एंड इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पन ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है ओवरऑल काफी ज्यादा ये भी इंफॉर्मेटिव दिया गया है साथ में पे आपको मिल जाती है फ्रंट आमरेस काफी ज्यादा वाइड दी गई है डीप आपको यहां पे मिल जाता है स्टोरेज स्पेस एरिया साथ में ट्विन कप होल्डर स्टोरेज स्पेस पार्किंग टेप कुछ और यहां पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है यहाँ पे मोबाइल रख सकते हैं और यह फाइव स्पीड का मैनुअल गेयर बॉक्स इन से वन पॉइंट टू पेट्रोल वेरियंट है अगर यहाँ पर हम लगाए रिवर्स गियर तो यहाँ पर आपको कैमरा नहीं दिया गया सेंसर्स मिल जाता है कैमरा आपको मिल जाता है एस प्लस वेरियंट से यहाँ पर कुछ और स्टोरेज स्पेस और एक आपको मिल जाता है यू एस ए पोर्ट विद बैकलट एल्यूमिनेशन साथ में यहाँ पे राइट right साइड दिया गया 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और एक और आप ट्वेल्व वर्ल्ड का पावर सॉकेट इंस्टॉल करवा सकते हैं और यह मोस्ट प्रीमियम इन द सेगमेंट ए सी का यूनिट मैनुअल ए सी आपको मिल जाता है यहाँ पर इस यूनियन में विद इको कोटिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया फील एंड फीडबैक ऑफर करता है टू डेन का आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है फोर स्पीकर टू ट्विटर्स ब्लूटूथ ऑक्स यू एस बी रेडियो सब चीज़ों को सपोर्ट करता है एंड यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग मिल जाती है तो साउंड की सेटिंग एंड ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं

और यह ड्राइवर साइड सन वाइजर विद टिकट या फिर रिसिप्ट होल्डर स्पेस फ्रंट सीट्स सीट हम यहाँ पे चेक करेंगे रियर सीट के फीचर्स ये आप चेक कर सकते हैं इंटीरियर फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है हर एक होंड कार में साथ में आप चेक कर सकते हैं रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी आपको डोर लॉक मिल जाता है मेटल इनसाइड डोर हैंडल काफी बढ़िया डिजाइन दिया गया डोर हैंडल का पावर विंडो नॉन एल्यूमिनेटेड आमरेस्ट बॉटल होल्डर और रियर पैसेंजर्स के लिए स्पीकरस और ये रियर सीट्स आपको हेड्रेस काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ के दिए गए हैं रियर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे पार्सल ट्रे आमरेस्ट ऑफर नहीं करी गई यहाँ पे एंड सीट बैक पॉकेट आपको ड्राइवर साइड नहीं दी गई बट यहाँ पे आपको कोल्ड ड्राइवर साइड मिल जाती है एंड यहाँ पे भी आपको काफ़ी बड़े फिट एंड फिनिश क्वालिटी दी गई है रियर एसी वेंट और एक आपको मिल जाता है ट्वेल्व वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट स्लाइड्स हाँप दिया गया सेंटर में राइट right साइड आपको ग्रैब हैंडल में मिल जाता है कोट हैंगर स्पेस और ये है ग्रैब हैंडल एक और थिएटर डेमिंग आपको मिल जाती है यहाँ पे हेलोजन लाइट फॉर रियर पैसेंजर्स ये आप चेक कर सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू तो आप वेन्यू का एस वेरिएंट बाय करेंगे या फिर एस प्लस जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में